इस साल सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार के साथ होने जा रहा है, जो बेहद शुभ माना जा रहा है। इसके साथ ही सावन के पहले दिन यानी सोमवार के दिन 3 शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। माना जाता है कि इस शुभ योग में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के साथ अगर शिव भक्त पूजा आराधना करते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे और मांगी गई सारी मनोकामनाएँ अवश्य पूर्ण होगी। वहीं पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की किस तरह पूजा आराधना करनी चाहिए और क्या अर्पण करना चाहिए, जानते हैं देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के प्रसिद्ध तीर्थ पुरोहित प्रमोद श्रृंगारी जी से। तीर्थ पुरोहित जी, सावन के सोमवार के दिन अद्भुत संयोग बन रहे हैं, तो जातक को किस विधि से पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि उनके पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और सभी जो भूलवश पाप हुए हैं वो समाप्त हो जाए? शिव की पूजा के लिए सबसे प्रथम जो है उनको जो है सो जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र में अगर आप राम नाम लिख के चढ़ाते हैं तो अमोघ फलदायी हो जाता है, क्योंकि राम जो है सो स्वयं शिव के उपासक हैं और शिव जो है सो राम के उपासक है। ऐसा आया है, रामेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर और शिवस रामजस्य ईश्वर रामेश्वर, दोनों विभक्ति आई है उनमें, युवत्पत्ति आई है। राम के भी ईश्वर शिव हैं और शिव के भी ईश्वर राम है, इसलिए अगर राम नाम से अंकित बिलपत्र चढ़ाया जाता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं शिव और उसमें जल से पूजा की जाती है। और ये सब सारे वस्तुएं चढ़ाने के समय नमः शिवाय का जप अधिक से अधिक करें, मन ही मन मंत्र माला चलती रहनी चाहिए नमः शिवाय की, और वो चढ़ते रहे चढ़ाते रहे सामग्री को, जो भी सामग्री है, दूध है, गंगा जल है, बिलपत्र है, चंदन है, अबीर है, अक्षत है, सब चढ़ाने समय शिव नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें और चढ़ाते रहें।